पेशेंट जब कीमोथेरेपी लेता है तो उसकी जो जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग है वो जो है वो नष्ट हो जाती है, तो इसलिए जो पेशेंट है उसको खाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आमतौर पे जो खाने में दिक्कतें आती हैं वो होता है कि फुलनेस लगना, ब्लोटिंग होना, और गैस ना पास होना, या उल्टी जैसा लगना, या फिर कब्ज होना। तो इन सब से लड़ने के लिए हम पेशेंट को जो एडवाइस करते हैं वो ये है कि वो अपना जो खाना है ना, जो भी बैलेंस्ड एक हमारी एक मील होती है, वो मील को वो थोड़े थोड़े पोर्शन में स्प्लिट करके ले, एक बार में एक वो कंप्लीट लंच या डिनर नहीं ले पाएगा, तो अपनी मील्स को वो स्प्लिट करके ले उसमें। लेकिन मील में उसके अंदर सारे पोर्शंस जाने चाहिए, जो है ग्रेन्स जाना चाहिए, चाहे वो व्हीट ले रहा है, चाहे वो राइस ले रहा है, चाहे वो मल्टी ग्रेन से कुछ बना के ले रहा है, या वो सूजी की चीज़ें बना कर ले रहा है, ठीक है। फिर दालें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दालें जो हैं वो प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं, तो खाने में उसे दाल जो है वो पर्याप्त मात्रा में इंक्लूड करनी है। और दालों में भी प्रेफरेबली छिलके वाली दाल, वो एक फाइबर का अच्छा सोर्स होती है और उससे कब्ज नहीं होती है, तो फाइबर छिलके वाली दाल को वो अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। प्रोटीन के और सोर्सेज जो हैं वो दाल और सोयाबीन के अलावा पनीर ले सकते हैं वो लोग, और कुछ सब्जियों में जैसे बीन्स है, या फिर मटर है, या हरी सब्जियां हैं, ये भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। या फिर साथ में एडिशनल वो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जिसमें कि प्रोटीन के साथ साथ माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स होते हैं। जो पेशेंट है उसको हम एडवाइस करते हैं कि वो एक सेमी सॉलिड मील ले, सॉफ्ट करके अपनी मील ले, जिससे कि पेट को डाइजेस्ट करने के लिए आसान हो जाए, जिससे पेशेंट का डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए। तो मेन तो जो हमारा पेशेंट को एडवाइस होता है वो ये होता है कि आपने अपने पेशेंट के रिलेटिव को इनफैक्ट ये एडवाइस होता है कि पेशेंट को इस तरह से खाना देना है जैसे आप एक टॉडलर को फीड करते हो, बिकॉज उनका जो है जीआई सिस्टम जो है इंजर्ड होता है, वो अफेक्टेड होता है। तो जैसे हम एक टॉडलर को छोटे छोटे पोर्शंस में और सेमी सॉफ्ट डाइट देते हैं, ऐसे ही हमने अपने कीमोथेरेपी के पेशेंट को देनी है, ठीक है। और सब्जियां हमने भरपूर मात्रा में इंक्लूड करनी है। सब्जियों में भी हमें ध्यान रखना है कि हम मिक्स्ड टाइप ऑफ सब्जियां पेशेंट को दें, हर तरह की सब्जी उसकी डाइट में रखें। और जो हाई फाइबर डाइट है, हाई फाइबर सब्जियां हैं, जैसे कि गार्ड फैमिली की सब्जियां हैं, घिया है, पंपकिन है, तोरी है, इसके अलावा बीन्स है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं जिनमें फाइबर की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, उसको वो पेशेंट को अच्छे से दें। तो ये सब्जियां आप चॉप्ड सब्जियां हैं, ये सूप के जैसे पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर ये चॉप्ड सब्जियां उसके दलिया या खिचड़ी में उसको डाल के, और सेमी सॉलिड ये वन पॉइंट मील के जैसे पेशेंट को बनाकर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा पेशेंट को जो एक एडवाइस होती है वो ये होती है कि उन्होंने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स हैं और फैटी डाइट है वो लिमिटेड लेनी है, ठीक है। ज़्यादा फ्राइड खाना नहीं खाना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है, बिकॉज क्या है कि वो जीआई ट्रैक और जो मुंह का म्यूकोजा है वो सेंसिटिव हो जाता है, तो ऐसा स्पाइसी खाना खाने से वो और ट्रिगर करेगा और म्यूकोजा मतलब बर्निंग होगी और पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत होगी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ज़्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसे होता है कि पेशेंट के रिलेटिव्स को लगता है कि पेशेंट नहीं कुछ खा रहा है, तो हम उनको सिर्फ कैलोरीज दे दें, वो उनको कुछ भी मीठा बना के दे देते हैं। बट कैलोरीज आर नॉट एडवाइजेबल बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो कि ज़्यादा कैलोरीज देने से वो कुछ मीठा जो है वो कण मुंह में रह जाते हैं और वो इन्फेक्शन का सोर्स बनते हैं। सेकेंडली जो है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें चाहिए अपने बॉडी में हीलिंग के लिए वो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए सिर्फ शुगरी डाइट नहीं देनी है हमें पेशेंट को। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो है कि अनकुक्ड फूड नहीं खाना है, अनकुक्ड जैसे सैलेड है या फ्रूट्स है पेशेंट को नहीं एडवाइज होते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको क्रेविंग होती है फ्रूट्स की, तो अगर फ्रूट्स उन्होंने अपनी डाइट में लेने भी हैं तो प्रॉपरली वॉश करके फ्रूट्स को और पील करके जो ले सकते हैं फ्रूट्स, जैसे कि बनाना है, ऑरेंजेस है, मौसमी है, अनार है, कीवी है, एप्पल है, तो ये फ्रूट्स जो है वो वॉश करके और पील करके
दिन में एक बार ले सकते हैं। पैकेज्ड जूसेस जो है वो एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज दे आर ओनली द सोर्स ऑफ कैलोरीज, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के साथ साथ जो पेशेंट को ये खाने पीने का जितना ध्यान रखना है उतना ध्यान उसको अपने मोशन के लिए भी रखना है। तो पेशेंट को ध्यान रहे कि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन होने से उसकी जो पेट की तकलीफें हैं वो और बढ़ जाएंगी, ब्लोटिंग होगी, गैसेस डिस्टेंशन हो जाएगा और नॉजिया तक हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट को ज़रूर ख्याल रखना है, उसका खाने का सर्कल और एक्सक्रीशन का सर्कल जो है वो रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी जो एक पेशेंट को ड्यूरिंग कीमोथेरेपी फॉलो करनी।